सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। अभी जो हमारा कोविड वाला टाइम चल रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी स्टडी में जो हमारा सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो सबको समझ में आता है नहीं आता है, सबका अपना अलग अलग सीन होता है। बट स्टूडेंट्स, एज वी नो कि एग्जाम्स तो हमारे डेफिनेटली होने ही होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं नाइन्थ क्लास में जो साइंस है आपकी थ्री पार्ट्स में साइंस डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो उसमें से फिजिक्स वाले पोर्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ। किस टाइप का पेपर आपका आता है, ये 2020 का जो सिलेबस है हमारा 2021 से लेके, तो इसका सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, कितने मार्क्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम इसमें अपना बेस्ट दें स्कोरिंग के लिए, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ अब साइंस में बात करें तो हमारी फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और बायो भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स टफ लगती है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है, तो आज हम फिजिक्स का जो सिलेबस है हमारा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाइन्थ क्लास की ये वीडियो है। अब देखिए, हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशन होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। अब 80 मार्क्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका रिटर्न पेपर आप देकर आते हैं उसके होते हैं, प्लस में 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट होंगे। आपके लिए जो ये 80 मार्क्स हैं इसमें अपना बेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको मार्कशीट में दिख जाता है। अब बात करते हैं 80 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स में आपकी फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है एंड बायो भी आती है। तो हमारी जो फिजिक्स है वो उसमें हमारी नाइन्थ क्लास में ये 4 चैप्टर्स हैं जो 27 मार्क्स की वेटेज को कवर करते हैं इस 80 में से। तो इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है मोशन, सेकंड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशन एंड लास्ट वन इज वर्क एनर्जी एंड पावर। मैंने इस हमारे इस चैनल पे आपके लिए चैप्टर की सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो प्लीज़ उनको देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो हमारे 27 मार्क्स है फिजिक्स में, जो 27 मार्क्स आपको फिजिक्स दिला सकती है, तो इसमें से कुछ हमारा बहुत ही इजी वाला पोर्शन होता है, वन मार्कर क्वेश्चंस है, कुछ थोड़े से लॉन्ग आंसर्स और कुछ लास्ट में जो सेक्शन सी बनता है वो वेरी लॉन्ग आंसर्स होते हैं। तो उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो अभी हम वो देखेंगे। जो फिजिक्स का पेपर आता है, साइंस का जो पेपर है, उसमें आपके सेक्शंस हैं ए, बी एंड सी। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20 वन मार्कर क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 10 थ्री मार्कर्स क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 36 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे। इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे और वेटेज देखिए 20 मार्क्स की 20 वन मार्क ईच, तो 20 हो गए। देन जो 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे वो 30 मार्क्स के हो गए, 6 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स आएंगे वो 30। टोटल आपका 80 मार्क्स का एनुअल एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है और टफ जो लगता है वो होते हैं वन मार्कर क्वेश्चंस, ये वाला जो वन मार्कर क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारी थोड़ी थ्योरी होती है, थोड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके थोड़ा बहुत जितना आता है ये हमसे एक तो डायरेक्ट नॉलेज का पूछा जाता है जो हमने पढ़ा होता है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस इतने आते नहीं है। तो इसमें लॉन्ग आंसर्स में हम फिर भी स्कोर कर लेते हैं क्योंकि अगर लिखा है क्वेश्चन में आपने हाफ भी उसको अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो फिर भी इजी हो जाता है। बट जब बात हम करते हैं वन मार्कर क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको एकदम वर्ड टू वर्ड लिमिट में लिखना पड़ता है और एकदम करेक्ट आंसर होता है तो मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो ये जो 20 मार्क्स हैं आपके लिए, किस तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो इसी पे आज की वीडियो मैंने बनाई है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए थे, इनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच स्पीड इज ग्रेटर, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों में से कौन सी वाली स्पीड
ज्यादा है। तो आप देखिए आंसर में अगर आप सोचें देखें तो किलोमीटर पर आर हमें पता है ज्यादा होता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 30 किलोमीटर पर आर कर देंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब किलोमीटर पर आर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जब 30 मीटर पर सेकंड है उसे जब आप किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 30 किलोमीटर पर आर से ज्यादा आएगी, इसलिए आंसर वुड बी 30 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं कैसे। अब इसमें देखिए यहाँ पे आंसर मैंने बोल दिया 30 मीटर पर सेकंड, तो सबसे पहले 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी सी यूनिट हम लगाते हैं 18/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपको डिजिट दे रखी हो उससे। आपने जब इसको सॉल्व किया तो 108 किलोमीटर पर आवर आया। यहाँ पे आपके पास 108 किलोमीटर पर आवर है एंड ऊपर 30 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं तो विदाउट पेन पेपर आपसे फिजिक्स नहीं हो सकती है। देख के कभी आइडिया नहीं लगता है कि क्वेश्चन हमें आया है या नहीं आया है, तो प्लीज़ वन बाय वन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करके तब खुद को जज करिएगा कि आपको आया है या नहीं आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वन रेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन ये दो एंगल्स होते हैं। अब रेडियन देखिए, इट इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हैविंग अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वन मार्कर क्वेश्चन है। अगर आपको इसको और ज्यादा डीपली समझना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें चैप्टर को मैंने समझाया है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको देखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस। इसके लिए फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये देखिए यहाँ पे रिलेशन है वी अपॉन में आर। वी यानी कि आपकी लीनियर वेलोसिटी हो गई है, आर यहाँ पे रेडियस है, तो दोनों में से कोई भी आप रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु जो कि अपनी प्लेस से जब तक नहीं मूव करती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है या कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है रेफरेंस पॉइंट, कि आप कहाँ से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है मीन्स कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो प्लीज इसको लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर इट्स एवरेज स्पीड। अब देखिए स्पीडोमीटर क्या होता है, या ओडोमीटर जो कि कार में या किसी भी व्हीकल में ऊपर एक राउंड में लगा रखा होता है, उसमें स्पीड मेजर करी जाती है किसी भी व्हीकल की। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या वो किसी भी व्हीकल की एवरेज स्पीड को मेजर करता है। सो आंसर इज नो, बिकॉज इट मेजर इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। जो करंट स्पीड होती है उस टाइम पे जब व्हीकल चल रहा है तो वो उसको मेजर करता है, ना कि एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और किस तरीके का कंसेप्ट है ये, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उनको देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जब आपकी डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाती है। वहीं जो डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है या बड़ी हो सकती है? सो आंसर इज नो, इट इज ऑलवेज ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, या तो वो कम होगी या फिर वो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म
व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब आपकी वेलोसिटी में स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन है, आप बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से है, तो आफ्टर 10 सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अभी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जब आपकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंजेस नहीं आते। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आंसर इसका बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन दे रखा है और यहाँ पे वेलोसिटी 10, 20, 30 जो भी दे रखी हो, तो आफ्टर 10 सेकेंड भी आपकी वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, इसके अलावा अब आपके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी SI यूनिट है। ये आपके मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपकी फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी 1 marker क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। नाउ फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, ऐसे इनको डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट लेंथ शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, मीन्स कि बड़े स्केल पे जब मेजर करते हैं तो डिस्टेंस करते हैं, और छोटे लेवल पे करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। दोनों की जो SI यूनिट है या मेजर किया जाता है मीटर्स में किया जाता है, SI यूनिट इनकी मीटर होगी। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस पे आपका कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है फॉर्मूले बेस्ड, कि आपको स्पीड निकालनी है, टाइम निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड है या फिर वेलोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होती हैं, इसके लिए भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। इसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v - u / t। अब इसकी जो SI यूनिट है वो हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें ये नहीं बोला जाता है कई बार कि ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, आपको कई बार खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अगर किसी डिजिट के पीछे, नंबर के पीछे आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, इट मीन्स आपको एक्सेलरेशन गिवन है। और अगर सिर्फ मीटर पर सेकेंड दे रखा है तो आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी गिवन है। नाउ अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन और 3 laws ऑफ मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज करिएगा। और ये किससे हमें मिले हैं, न्यूटन से मिले हैं, सर आइज़ैक न्यूटन ने हमें ये दिए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 9th है तो आपकी साइंस जो है ना थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगने वाली है, टफ लगने वाली है। तो इसे स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स के साथ समझ के करेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास 3 equation ऑफ मोशन है। v = u + at, s = ut + ½at² नेक्स्ट इज 2as = v² - u². इनमें v होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी, मींस कि जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, और u होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपने ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है। t टाइम होता है जो सेकेंड्स में होता है, s स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आप उसको लेते हैं, एंड a इज एक्सेलरेशन। इन 3 equations को डायरेक्ट ना पूछ के कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इस टाइप से आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप एक एक चीज को देखेंगे तो 1 marker क्वेश्चन आपके जो पढ़ा हुआ होता है थ्योरी पोर्शन, उसी में से निकल के आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।